अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ और पाक तस्करों के बीच गोलीबारी हुई। हालांकि तस्कर धुंध के कारण भागने में कामयाब रहे, लेकिन बीएसएफ ने पाक तस्करों द्वारा भारतीय क्षेत्र में फेंकी गई 13 किलोग्राम हेरोइन की खेप बरामद कर ली है। जानकारी के मुताबिक खालड़ा सेक्टर के गांव दाउके में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की ओर से 2 तस्करों को भारतीय क्षेत्र में आते देखा था। बीएसएफ ने उन्हें चेतावनी दी तो उन्होंने आगे से फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में बीएसएफ ने भी फायर किया, जिसके बाद तस्कर फरार हो गए। अमृतसर सेक्टर में आज सुबह 2 ऑपरेशंस हुए, जिसमें पहला ऑपरेशन बीओपी डॉके के एरिया में किया गया। हमारे पास में काफ़ी दिनों से इनपुट्स आ रही थी कि धुंध का फ़ायदा उठाते हुए स्मगलर्स कंसाइनमेंट को क्लियर कर सकते हैं हेरोइन की। उसी सिलसिले में तकरीबन पिछले 15 दिनों से हमने अपने ट्रुप्स का मूवमेंट, ट्रुप्स की प्रेजेंस और अपने सर्विलेंस इक्विपमेंट्स की तादाद को बढ़ा दिया था। आज सुबह बहुत अधिक धुंध थी, इनफैक्ट धुंध कल रात से ही बहुत अधिक शुरू हो गई थी और विजिबिलिटी तकरीबन 0 थी। उस 0 विजिबिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए तकरीबन 9 बजे सुबह कुछ मूवमेंट ऑब्जर्व की गई बॉर्डर फेंस के सामने बीओपी डॉके के इलाके में। जब ये मूवमेंट ऑब्जर्व हुई तो उस टाइम विजिबिलिटी तकरीबन 5 से 7 मीटर की ही थी। और कुछ हरकत होने के बाद जैसे ही हमारे जवान, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्राउंड पे मौजूद थे और ऐसी सस्पेक्टेड एक्टिविटी उनसे उन्हें उम्मीद थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ आवाज़ सुनाई थी, क्योंकि इसमें दिखना मुश्किल होता है बट आवाज़ से अंदाज़ा लगाया उन्होंने कि कुछ मूवमेंट हो सकती है। इमिजिएटली ट्रुप्स मोबिलाइज हुए और ट्रुप्स ने एक सिलेट देखा, एक हल्की सी परछाई सी जैसी, इसको सिलेट बोलते हैं, वो देखी उसने और उस जवान ने उस डायरेक्शन में मूवमेंट आगे बढ़ा वो। और जैसे ही वो आगे बढ़ा तो उसने ऑब्जर्व किया कि एक जो है छाया सी वो पीछे भागती हुई जा रही है पाकिस्तान साइड में। जीरो लाइन तकरीबन 170 गज के करीब है जहाँ ये इंसिडेंट हुआ। इमिजिएटली ट्रुप्स ने अपना जो है पोजीशन लिया। पोजीशन लेने के बाद में इन्होंने सामने के इलाके के भी सर्च जारी किया। कंपनी कमांडर और जो एडिशनल नफरी वहाँ पहुँच गई थी, इलाके को क्लियर किया गया। और इलाके को क्लियर करने के बाद ये पाया गया कि 4 पैकेट जो फेंस के परली तरफ, दैट इज़ पाकिस्तान साइड की तरफ भी, जो कि इंडियन टेरिटरी में फेंस के तकरीबन 15 से 20 गज दूर पर भी पड़े पाए गए। तो टोटल इस ऑपरेशन में 12 पैकेट रिकवर हुए हैं, जिसका कि वेट तकरीबन 12 किलो के करीब है। ये ऑपरेशन अभी चल ही रहा था कि दूसरी जगह पे, जो उस इलाके से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है, बीओपी भैरोपाल का इलाका, वहाँ भी तकरीबन इसी प्रकार की कोई मूवमेंट ऑब्जर्व की कि जवानों ने, धुंध अभी हटी नहीं थी बट विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ गई थी। और हमारे जो ओपी पॉइंट ने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ हरकत हुई है उसके बाएं साइड में, और जब उसने अपने इक्विपमेंट से उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश की अपने बाइनोकुलर से, तो उसने ये देखा कि एक आदमी कुछ सामान फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है फेंस के ऊपर। इमिजिएटली उसने उसके ऊपर फायर किया बट धुंध बहुत अधिक थी उस समय, और धुंध का फ़ायदा उठाते हुए वो एंटी नेशनल एलिमेंट तो वापस भागने में कामयाब हो गया, क्योंकि तकरीबन 150 गज की दूरी ही थी वहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर की। बट उसे वहाँ पर दूसरी जगह पर एक पैकेट और सस्पेक्टेड हेरोइन का रिकवर हुआ, और उसको तकरीबन वेट 500 ग्राम के करीब है, छोटा पैकेट था। और उसको इस हिसाब से फेंका गया था कि वो हमारे अपने खेतों के पास अंदर फेंस से तकरीबन 20 से 25 गज अंदर गिर गया था। तो ये दर्शाता है कि काफ़ी इसको दूर से और काफ़ी हाई वेलोसिटी से फेंका गया था, ताकि वो ऑन साइड में गिरे और बाद में सुबह किसानों की तरफ से इसको क्लियर किया जा सके। पूरे इलाके की छानबीन अभी जारी की गई है और पूरा सर्च ऑपरेशन अभी कॉल ऑफ हुआ है तकरीबन 4 बजे। और उस पूरे ऑपरेशन में हमें जो 12 पैकेट एक जगह पे और एक पैकेट भैरोपाल बीओपी के नज़दीक में रिकवर हुआ है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक सवेरा टीवी।